मैं हूं अब्दुस्सैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, राज्य की सियासत में क्या होगा बड़ा बदलाव, राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा क्या अपने पद से देंगे इस्तीफा, क्या दूसरे किसी व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा या फिर दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी। राज्य में चल रहे सियासी घमासान को देखने के बाद तो यही तस्वीर सामने आ रही है कि येडियुरप्पा कुछ ही दिन में सीएम की गद्दी छोड़ देंगे। कल ही उन्होंने एक बयान दिया है कि बीजेपी में बहुत से नेता सीएम बनने की काबिलियत रखते हैं, हाईकमांड जो फैसला देगी उसे मैं सर झुकाकर मानूंगा। तो वहीं सीएम के रेस में प्रहलाद जोशी, अरविंद बेलद, मुर्गेश रानी, स्पीकर विश्वेश्वरैया कागेरी और सी रवि के नाम हाईकमांड के सामने रखे गए हैं और सीएम ने 26 जुलाई को अपने सभी विधायकों की सभा बुलाई है। ये वही दिन है जो 2 साल पहले 26 जुलाई को येडियुरप्पा ने शपथ लेकर सीएम की गद्दी संभाल ली थी। क्या उसी दिन बड़ा बदलाव होगा राज्य की सियासत में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राज्य भर में भारी बारिश, बाढ़ पीड़ित जिलाधिकारियों के साथ सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश हो रही है। इन जिलों में जिलाधिकारियों और पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्तालाप किया है। साथ में जिला इंचार्ज मंत्रियों के साथ बात करके जानकारी हासिल की है सीएम ने। महादाई के लिए किसान फिर उतरेंगे सड़कों पर, हुबली भाग किसानों के लिए जिंदगी माने जाने वाली महादाई नदी मामले में कई सालों की लड़ाई के बाद कोर्ट ने कर्नाटका के हित में फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन और राज्य सरकार ने 1,600 करोड़ का अनुदान भी दे रखा है, लेकिन कामगारी की शुरुआत ही नहीं हो पाई, जिसके चलते किसान फिर से सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। VTU व्याप्ति के सभी कॉलेजेस में कन्नड़ा भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, प्रोफेसर करी सिद्धप्पा का बयान। नई शिक्षा नीति के अनुसार 2022-23 एकेडमिक ईयर में बेलगाम में रही विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इहाते में आने वाले सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कन्नड़ा भाषा में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाएगी, क्योंकि केंद्र की नई शिक्षा नीति में राज्यों की स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई करने की अनुमति दे रखी है। इसकी जानकारी दी है VTU कुलपति प्रोफेसर करी सिद्धप्पा ने। येडियुरप्पा को सीएम पद से उतारा गया तो 500 से ज्यादा मठाधीशों का होगा विरोध। दिगलिंगेश्वर स्वामी जी का बड़ा बयान। आज राज्य के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा को मिलने पहुंचे विविध मठाधीशों के नियोग की सभा के बाद दिगलिंगेश्वर स्वामी जी ने मीडिया से जानकारी दी कि येडियुरप्पा से हमने कई सवाल किए, लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हाईकमांड से जो भी फैसला आएगा सर झुका के कबूल करूंगा। अगर सच में हाईकमांड येडियुरप्पा को पद से उतारेगी तो राज्य के 500 से ज़्यादा मठाधीश जुड़कर सभा करते हुए बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। इस तरह की चेतावनी दी है डिगलिंगेश्वर स्वामी जी ने। नलिन कुमार कटिल के ऑडियो पर सीएम सामने आकर सफाई दें यूटी कादर। मंगलुरु उल्लाल क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक और पूर्व मंत्री यूटी कादर ने आज के प्रेस मीट करके कहा कि नलिन कुमार कटिल ने वायरल हो रहे ऑडियो को नकली करार दिया है, असली है या नकली इस पर जांच करके सीएम जनता को सच्चाई बताए, कहा यूटी कादर ने। भारी बारिश भर के बहने लगे नदी नाले, संचार में पड़ी जनता को बाधा। दक्षिण कन्नड़ जिला पुट्टूर तालुका के श्री बागीलु राम के गांव में गांव से बाहर जाने के लिए इनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। अगर जाना भी हो तो जान हथेली पर लेकर नदी पार करनी पड़ती है। अगर ये भी नहीं कर पाए तो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे 5 किलोमीटर तक का जंगल का रास्ता तय करना पड़ता है। कई बार इस समस्या की अपील करने पर भी आज तक समस्या सुलझ नहीं पाई। क्या इनकी समस्या सुलझा पाएगी सरकार या ऐसे ही इन इंसानों को आदिवासियों की तरह सुविधाओं से वंचित रख के जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर किया जाएगा।
सरकार ने किया जनता की समस्या को नजरअंदाज, गांव वालों ने ही किया रास्ते का निर्माण। रायचूर जिला लिंगसूर तालुका के मुदगल के सरहद में आने वाले हानूर गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं है। इस पर कई बार क्षेत्र के विधायक और पंचायत सदस्यों से अपील करने पर भी कोई आगे आकर पक्की सड़क नहीं बना पाया। इसी को देखते हुए स्थानीय गांव के लोगों ने सभी के पास से पैसे इकट्ठा करके पक्की सड़क निर्माण किया है। ऐसे काम अगर आम जनता ही करेगी तो जनप्रतिनिधियों की अब क्या जरूरत। फिर से येडियुरप्पा के समर्थन में नजर आए एमबी पाटिल। आज बेंगलुरु में पूर्व गृह मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि येडियुरप्पा की भाजपा वाले बेइज्जती और अपमान कर रहे हैं, ये बात हमारे पूरे लिंगायत समुदाय को कांटे की तरह चुभ रही है। उन्हें एक साजिश के तहत साइडलाइन किया जा रहा है, पार्टी के नेताओं की ओर से ही उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके बलिदान का सही सम्मान नहीं किया जा रहा है, कहा एमबी पाटिल ने। बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले एमबी पाटिल और शामनूर कौन होते हैं? यत्नाल। सीएम येडियुरप्पा के समर्थन में कांग्रेस के लिंगायत नेता उतरने पर बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि कांग्रेस में लिंगायत समुदाय के नेता अब दिवालिया हो गए हैं, उन्हें वहां पर कोई इज्जत नहीं दे रहा है। सिर्फ एक मंत्री बनने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पांव में गिर के भीख मांगनी पड़ती है। अगर उनमें हिम्मत है तो कांग्रेस से सीएम कैंडिडेट के लिए लिंगायत नेता की घोषणा करे। पार्टी एमबी पाटिल को सीएम कैंडिडेट बनाने की हिम्मत है कांग्रेसियों के पास, इस तरह से अपना पक्ष रखा है एमएलए इतना ले। प्रवासियों के लिए सरकारी बस उतरी सेवा में। राज्य की केएसआरटीसी बस संस्था ने संचार और इमारतों को देखने के लिए प्रवासियों की संख्या में गिरावट होने से बड़े नुकसान में चल रही है। सैलानियों को आकर्षित करने और संस्था को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से बागलकोट जिले में रहे सभी ऐतिहासिक इमारतों का दीदार कराने के लिए चालुक्य दर्शन नाम से बस शुरू की गई है, जो बहुत ही किफ़ायती दाम में प्रवासियों को जिले के सभी इमारतों का दर्शन करवाएगी। आज इस बस का चालन संस्था के डीसी बसवराज अमन नवर की ओर से किया गया। शॉर्ट सर्किट से घर जलकर राख। चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि तालुका के आश्रय योजना के वेंकट चालपति के घर में शॉर्ट सर्किट से पूरा घर जलकर राख हुआ है। घर जलने से इनके परिवार को बिना घर के ही अब गुजारा करने की नौबत आ चुकी है। यह मामला हुआ है चिंतामणि पुलिस थाना में दर्ज। सोने के जेवरात दिखाकर गोल्ड फाइनेंस को धोखा देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी। गिरवी रखे गए सोने के जेवरात में गोलमाल करके कंपनी को चूना लगाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की है मैसूर पुलिस ने। जिले के सालीग्राम निवासी सौम्या प्रसाद नाम से इनकी पहचान हुई है। ये लोग कई जगहों पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की भी मामले सामने आए हैं पुलिस की पूछताछ में। मंत्री निरानी के पास 500 से ज्यादा सीडी हैं, आलम पाशा का बड़ा खुलासा। राज्य के माइनिंग मिनिस्टर मुरगेश निरानी पर हेल्पिंग सिटीजन एंड पीपल्स कोर्ट के संस्थापक आलम पाशा ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि निरानी के पास 500 से ज्यादा नेताओं के सीडी मौजूद हैं। इस पर आईजीपी और एसीबी को भी शिकायत की गई है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं आलम पाशा ने। क्या सच में सारा खेल निरानी का ही है? और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।